करने जा रहे हैं ज्यामिति। ज्यामिति में ज्यामिति जो आकृतियां होती है ना उनके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब ज्यामिति आकृतियां जो है उनको समझने के लिए अपने तीन परिभाषाएं समझनी जरूरी है। एक तो परिमाप, परी का मतलब होता है चारों ओर, और माप यानी कि मापना। जैसे मान लीजिए टेबल है ना, इस टेबल का ये यहां से नाप अपन यहां से शुरू करें, नापते नापते इसको इस प्रकार से यहां तक नाप ले वापस, तो ये क्या होगा इस टेबल का यहाँ इसका परिमाप हो गया। इसका बंद आकृतियां, बंद आकृतियों की चारों ओर की माप यानी कि आकृति कैसे होनी जरूरी है, बंद होनी जरूरी है। जैसे मान लीजिए ये अपने आकृतियां हैं, ये आकृति बंद है बिल्कुल वर्ग है, ठीक है, तो यहां से इसकी पूरी माप यहां तक कौन है यहीं पे आ गए ना, तो ये इसका परिमाप हो गया। ये आयत है इसका यहां से लेकर के यहां तक ये क्या होगा इसका परिमाप हो गया, ठीक है। तो बंद आकृतियों की चारों ओर की माप क्या कहलाता है, परिमाप। दूसरा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में देखो सुंदर ध्यान से, किसी द्विविमीय और त्रिविमीय, अब द्विविमीय क्या होता है, टू डी बोलते हैं इसको, जिसमें दो विमाएं हो, विमा यानी कि विमाएं कौन कौन सी, एक तो लंबाई एक चौड़ाई, वो तो कहलाती है द्विविमीय आकृति, और जिसमें तीन विमाएं हो, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई हो उसकी, या ऊंचाई बोल दीजिए या फिर गहराई बोल दीजिए। तीन विमाएं कौन कौन सी, लंबाई चौड़ाई गहराई या मोटाई बोल दो या ऊंचाई बोल दो, तीन विमाएं। तो किसी द्विविमीय या त्रिविमीय बंद आकृतियों के फलकों, फलक यानी कि जो सतह है ना, ये सतह या फलक, ठीक है, तल द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्र का क्षेत्रफल कहलाता है। इसमें कितना स्थान तो घेर रखा ना, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल इसका, ये क्षेत्रफल है, तो ये क्या कहलाएगा सर, क्षेत्रफल। इसी प्रकार से आयतन, किसी त्रिविमीय आकृति या वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। त्रिविमीय आकृति ने जितना स्थान घेर रखा है वो क्या कहलाएगा उसका आयतन। जैसे बेलन है, अरे बेलनाकार संरचना ने, इसमें जितना कुछ अपन डाल देंगे जो इसमें पूरा ये भर जाएगा, तो ये इसका इसकी कैपेसिटी इसका आयतन हो गया। इसके अंदर कितनी वस्तु आ सकती है, पानी है, गेहूं है, ठीक है, तेल है, चावल है, सब कुछ डाले अपन जितना आए हो उसका आयतन कहलाएगा। अब आयतन के लिए देखो अपने पास दो चीजें है, एक तो बेलन का आयतन है, उसका फॉर्मूला होता है कि पाई आर स्क्वायर एक्स, बेलन का जो फॉर्मूला उसका है आयतन का पाई आर स्क्वायर एक्स, और शंकु का जो आयतन है उसका क्या है, एक बट्टा तीन पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बट्टा तीन देखो सुनना ध्यान से, पाई पाई और आर, आर का मतलब त्रिज्या और एच का मतलब ऊंचाई। यदि एक शंकु और एक बेलन ले अपने, तो बेलन का जो आयतन है वो शंकु का जो आयतन है वो बेलन का एक बट्टा तीन होगा। कैसे, इसको अपने प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये बेलन है और ये शंकु है, इनकी ऊंचाई बराबर, दोनों की ऊंचाई बराबर है ना, और इनकी आर त्रिज्या यानी कि यहां से लेकर के अंदर से लेकर के ये जो वृत्त की दूरी है, ये त्रिज्या, ये बराबर होनी चाहिए, या व्यास दोनों का जो परिमाप है ये बराबर होना चाहिए, तो दोनों का परिमाप है वो भी बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, यानी कि इसकी ऊंचाई भी बराबर है और त्रिज्या भी बराबर है। अब इनका क्या अपने, यानी कि इसके अंदर शंकु के अंदर कितना आयतन आएगा, इस गलन के अंदर कितना आयतन आएगा, बेलन के अंदर जो शंकु है उसके तीन भरे जाएंगे। कैसे समझना देखो, जैसे मान लीजिए अपन ने ये प्लेट है, इसके अंदर अपन ने ये बेलन रखा और ये जो शंकु है इसको अपन इस प्रकार से भरेंगे, तो ये शंकु अपन ने पूरा इस प्रकार से भर के और इसमें डाला, ये तो अभी एक, ये हुए दो, और ये तीन। इस प्रकार से ये जो बेलन है ये तीन शंकु, तीन बार अपन इसमें किसी वस्तु को अपन डालेंगे तो ये पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर गया, यानी कि बेलन का शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का एक बटा तीन या एक तिहाई होता है, क्लियर।